नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस में जो होमगार्ड की वैकेंसी निकली है उसके बारे में। बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे हैं कि सर हम दिल्ली से बाहर रहते हैं, क्या हम इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर कई तरह के सवाल हैं, कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, दिल्ली से बाहर के लोग भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, है ना, सैलरी क्या मिलने वाली है और ये जॉब कब तक के लिए होने वाली। तो इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की, जिससे कि आप फॉर्म डालने के लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए और आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर जो दोस्तों जो वैकेंसी निकली हुई है वो 10,285 कुल पद यहाँ पर निकाले गए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों वो 12th पास मांगा गया है। इसी के साथ हम बात करें दोस्तों तो आयु सीमा कितनी मांगी गई है, तो आयु सीमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मांगी गई है। 20 साल से लेकर के 45 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है। कहने का मतलब यह हुआ, कोई व्यक्ति ऐसा है जो ओवर एज हो गया है दूसरी सरकारी नौकरियों से या फोर्स की नौकरियों, उसके लिए दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हाइट भी फोर्स की जो और वैकेंसी होती है उससे कम मांगी गई है। यहाँ पर जो पुरुषों के लिए हाइट मांगी गई है दोस्तों वो 1.65 सेंटीमीटर मांगी गई है, महिलाओं के लिए जो हाइट रहने वाली है वो 1.52 सेंटीमीटर रहने वाली है, मतलब नॉर्मल ही हाइट मांगी गई है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, फॉर्म 24 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 23 फरवरी इसकी अंतिम तिथि होगी फॉर्म फिल करने की। इसी के अलावा यहां पर दोस्तों जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है सभी कैटेगरी के लिए, ये वाली बात क्लियर हो जाती है। एज में दोस्तों कुछ रिलैक्सेशन भी देखने को आपको मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं, ये वाली बात क्लियर हो जाती है। एक्स सर्विस मैन के लिए 54 साल तक वो फॉर्म फिल कर पाएंगे, इतनी सी बात आपको क्लियर है, ये आपको पता होगा। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों हम इसके फिजिकल के ऊपर कि इसमें फिजिकल में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फिजिकल में दोस्तों आपको रेस देखने को मिलेगी। एक बात और याद रखनी है दोस्तों, पहले इसमें फिजिकल होना है ना, फिजिकल के बाद ही इसमें रिटिन होगा और रिटिन में जो नंबर आपको मिलेंगे उसके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, वही आपके सिलेक्शन का आधार होगा इसमें रिटिन। तो चलिए यहां से हम बात कर लेते हैं फिजिकल की। कोई व्यक्ति 30 साल तक का है यानी कि 20 साल से लेकर के 30 साल तक का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करके दिखानी होगी 6 मिनट में। क्लियर हो जाती है बात। अच्छा, कोई व्यक्ति 30 और 40 साल के बीच का है उसको 1600 मीटर की रेस दिखानी होगी 7 मिनट में करके, है ना, इसमें अधिक से अधिक समय जो रहेगा आपका 7 मिनट रहेगा। कोई व्यक्ति 40 और 45 साल के बीच में है उसको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 8 मिनट में। तो ये रहा दोस्तों आपका फिजिकल। अब बात कर लेते हैं सर इसका रिटिन टेस्ट कैसा होगा। तो रिटिन टेस्ट दोस्तों इसका जैसे दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है जहां पर आपसे मैथ, रीजनिंग और जीके पूछा जाता है, उसी तरीके से दोस्तों ये पेपर होगा। लेवल आपका 19-20 हो सकता है दिल्ली पुलिस से, क्योंकि होमगार्ड की वैकेंसी है तो आपको पता है कि इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने अगले सवालों पर जो बहुत सारे दोस्तों के मन में चल रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हम कि कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों, इसमें सिर्फ वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो दिल्ली के निवासी हैं, ये कोई सेंट्रल वैकेंसी नहीं है, है ना, इसकी सैलरी दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाती है। तो एक तरह से ये राज्य की ही वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, इतनी बात आपको समझनी होगी। कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं तो इसके लिए कंडीशन भी है, जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं उन लोगों के लिए कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी होंगी तब वो जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले समझिए, अगर आप दिल्ली नहीं रहते हैं, मतलब दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, आप दिल्ली का डोमिसाइल आपका नहीं है, तो आपके पास सबसे पहले एक वोटर आईडी होनी चाहिए जो कि दिल्ली की सरकार द्वारा आपको बना करके दी गई हो। आप समझने की कोशिश करिए, जैसे आप रहते कहीं हैं, है ना, गांव वगैरह में रहते हैं, अपने किसी दूसरे स्टेट में रहते हो, बहुत लंबे समय से आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप दिल्ली में 3-4 साल या 5 साल से अधिक समय हो गया आपको, तो आपकी वोटर आईडी बना दी जाती है ना। तो अगर आपके पास एक वोटर आईडी है तो आप भारत में किसी भी राज्य से रहने वाले हैं, अगर दिल्ली की वोटर आईडी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से फिल कर पाएंगे। दूसरी कंडीशन है कि आपका दिल्ली में बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी दिल्ली की किसी भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट हो तब भी दोस्तों आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका दिल्ली का राशन कार्ड हो तब भी आप वहां से दोस्तों फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसकी कॉपी दिखा करके। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर अपना डोमिसाइल बनवा सकते हैं ना, केयर ऑफ करके, जैसे आपका कोई परिचित दिल्ली में रहता है और वो स्थायी निवासी है दिल्ली का, तो उसका केयर ऑफ लगा करके आप दिल्ली का डोमिसाइल बनवा सकते हैं, क्योंकि ये होमगार्ड की वैकेंसी है। इसके अलावा आपके पास दिल्ली का ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी आप दोस्तों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
तो दिल्ली से बाहर वाले लोगों के लिए कुछ ये कंडीशन थी जो फॉलो करनी होंगी। बात क्लियर हो जाती है मुझे लगता है आपको, और ये बनवाना बहुत आसान है, दिल्ली का डोमिसाइल आप बनवा सकते हैं। अगर आपका कोई परिचय दिल्ली में रहता है, स्थायी निवासी है दिल्ली का, तो उसका केयर ऑफ लगा करके आप बड़ी आसानी से बनवा लेंगे, या फिर आप वोटर आईडी आपके पास है तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ चीजें आपकी छूट रही हैं तो आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, जिससे कि अगली वीडियो में उसका निस्तारण हो सकेगा। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, सैलरी क्या रहेगी। तो आप मान के चलें दोस्तों, यहां पर 24,871 लगभग सैलरी आपको मिलती है, तो आप इसको पर डे के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। लगभग 816 रुपए के आसपास आपको सैलरी देखने को मिलेगी पर डे के हिसाब से। अब होता इसमें यह है दोस्तों, इसमें मंथली सैलरी का कोई हिसाब किताब नहीं होता है कि आपने छुट्टी कर ली तो उसकी भी आपको सैलरी मिले। यहाँ पर जिस दिन आप जॉब करते हैं उसी दिन की आपको सैलरी मिलती है। जिस दिन आप छुट्टी करेंगे तो अपसेंट लग जाएगी, और अब उस जो छुट्टी है उसकी सैलरी यहाँ पर नहीं दी जाती है। बात क्लियर हो जाती है। हाँ, इसमें छुट्टी एक तरीके से होती है, जैसे आप कल आपको छुट्टी चाहिए, मान के चलो कल आज आप ड्यूटी कर रहे हैं और कल की आपको छुट्टी चाहिए, तो आज आपको 16 घंटे नौकरी करनी होगी, है ना। आज 16 घंटे नौकरी करेंगे, मतलब एक दिन की जो ड्यूटी होती है 8 घंटे की होती है होमगार्ड में, दिल्ली होमगार्ड में, ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो अगर आपको कल की छुट्टी चाहिए तो आज आपको कल की भी ड्यूटी करनी होगी, मतलब आज आपको 16 घंटे जॉब करनी होगी, तो कल आप ऑफ कर सकते हैं। इसमें इस तरह की छुट्टी होती है, वैसे कोई भी छुट्टी इसमें नियत नहीं होती है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलिए, जॉब कब तक के लिए है, तो दोस्तों इससे पहले ये जॉब दिल्ली पुलिस में 5 साल के लिए होती थी, इस बार ये 14 साल के लिए निकाली गई है ना। मतलब आप लग जाते हैं होमगार्ड में तो 14 साल तक आप सर्विस इसमें दे सकते हैं, और इसका बेनिफिट भी आपको पता होगा, अगर आप 5 साल होमगार्ड की नौकरी कहीं भी कर लेते हैं तो पुलिस में या फिर अन्य फोर्सेस में आपको बहुत सारे बेनिफिट यानी एज में छूट देखने को मिलती है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मुझे आशा है कि आपके जो डाउट थे, बहुत सारे दोस्तों के डाउट जो चल रहे थे, वो क्लियर मैंने कर दिए हैं। सैलरी कितनी मिलेगी, कब तक के लिए जॉब है, और दिल्ली से बाहर के कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आप लोगों को सभी जानकारी अच्छे तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप लोगों से मिलेंगे दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।